चाहे यूपीएसएल और ईटेक में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, अगर आप टीसी काट रहे हैं तो एक चीज़ का ध्यान रखिएगा कि टीसी पे कुछ दो चीज़ें जो हैं बहुत ज़रूरी हैं। वैसे जो 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 कॉलम होता है उसके अलावा दो चीज़ें भरनी है उसमें से। नंबर एक यूडाइस कोड, दूसरा है उसका जो नंबर होगा आपका परमानेंट एजुकेशन नंबर, जिसको कहते हैं पेन नंबर। ठीक है, पेन नंबर्स के ज़रिए क्या होगा, यूडाइस प्लस से बच्चा जो इंपोर्ट कर लिया जाएगा। ठीक है, तो इससे जहाँ एडमिशन जाएगा बच्चा, वहाँ के हेडमास्टर को थोड़ा सा आराम ये होगा कि उस बच्चे को आराम से उसको ढूंढ लेंगे, वरना इंपोर्ट करने में दिक्कत आ जाती है। ठीक है, तो इस सुविधा के लिए ये ज़रूरी है कि भैया अपना यूडाइस स्कूल का नाम डालना ही डालना है और पेन नंबर भी डाल दीजिएगा। पेन नंबर कैसे पता चलेगा, पेन नंबर आपके रजिस्टर में लिखा होगा, क्योंकि नेट परीक्षा के समय पेन नंबर आपने लिखा होगा, एक रजिस्टर बनाया होगा, उसमें आपने ढूंढ के लिख देना है ज़रूरी तौर पे। ठीक है, वरना बेचारा हेडमास्टर वहाँ का परेशान होगा और आपको फ़ोन करके पूछेगा कि भैया इसका पेन नंबर बता दो। ठीक है, इसके लिए समाधान और भी है कि पेन नंबर अगर मान लो ना भी लिखा हो, आपके वहाँ कोई टीसी आए पेन नंबर नहीं लिखा है, तो भी उडाइस पे इंपोर्ट करते समय स्कूल का नाम डालने पे उस क्लास के सारे बच्चे आ जाएंगे। अब ठीक है, डेट ऑफ बर्थ डालेंगे और वो आ जाएगा, इंपोर्ट हो जाएगा। ठीक है, नमस्ते।